हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ ऐसा था। और अनन्या रूम में प्यार कर रहे होते हैं, और उतने ही टाइम में एक दो स्टूडेंट्स आते हैं और उनके रूम की बेल बजाने लग जाते हैं और उन्हें बाहर बुलाते हैं कि चलो चलो, दो चोर आ गए कॉलेज में, तो हर रूम चेक करनी पड़ेगी और हर रूम में देखना पड़ेगा और तुम भी बाहर चलो, वो चोर कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे बोल के वो लोग इन्हें बाहर बुलाते हैं और रूम चेक करके रूम लॉक करने के लिए कह देते हैं। प्रीति मन ही मन में सोचने लगती है कौन से चोर लोग थे यार, अभी टपकना था इनको भी, इतना अच्छा टाइम था, आप कर दिया, पक्का पकड़े जाने चाहिए। सोचते सोचते रूम को लॉक कर रही होती है और बड़बड़ा रही होती है और अनन्या उसे देख के हंस रही होती है। तो प्रीति अनन्या की तरफ देखती है तो उसका इतना क्यूट स्माइली फेस देख के ऐसे उसकी तरफ देखते ही जाती है। पर सी अनन्या के जुल्फे बीच बीच में आ रहे होते हैं तो प्रीति तो उसे देख के एकदम स्टॉप होके उसे देख ही रही होती है। अनन्या उसे ऐसे उसके सामने से हाथ फिराती है, ओए प्रीति चलो, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, ओए ओए ऐसे कर रही होती है। प्रीति की तो नज़र ही नहीं हट रही होती, उसे थोड़ा सा हिलाती है तो प्रीति की नज़र थोड़ी होश में आ जाती है। बोलती है हाँ हाँ बोलो, उन्होंने बोलती है क्या देख रही थी तुम, तो इतना खो गई थी। वो प्रीति थोड़ी सी छोटी सी स्माइल करती है और बोलती है यार, तुझे देखने का जुनून और भी गहरा होता है जब तेरे चेहरे पे जुल्फों का पहरा होता है। मैंने अभी थोड़ा सा शाय होके उसकी तरफ देखती है हंस के और बोलती है अच्छा अब चलो, हमें सच में पहरा देना है, देखते हैं कौन चोर आए हमारे कॉलेज में। ऐसे बोल के वो प्रीति का हाथ पकड़ती है और उसे आगे बढ़ने के लिए खींचने लगती है। तो प्रीति को और अच्छा फील हो रहा होता है, वो उसकी तरफ भी ऐसे देख रही होती है तो प्रीति भी उसकी तरफ देखती है। उसकी इतनी क्यूट स्माइल, मिठास भरी प्रीति भी उसका चेहरा देखने में एकदम खो जाती है। दोनों भी एक दूसरे के पास स्माइल करते करते देख के आगे बढ़ रहे होते हैं। इतने में पीछे कुछ स्टूडेंट्स रुक गए होते हैं, रूम्स में से दूसरे स्टूडेंट्स को बुला रहे होते हैं तो पीछे से स्टूडेंट्स आने लगते हैं। तो उसमें अवनी की फ्रेंड भी होती है रिया, और उसे अनन्या और प्रीति से स्पेशली छेड़ होती है क्योंकि इन्हें बहुत बार अवनी से पंगा लिया होता है। बट फिर भी अवनी उसे कुछ नहीं बोलती, बट रिया ये बात याद रखती है, उसकी रूममेट होती है अवनी की। तो सारे स्टूडेंट्स के चलने के पीछे से आर्ट सुन के दोनों भी थोड़े से अपने मूवमेंट से बाहर आते हैं और अनन्या फट से अपना हाथ छोड़ देती है प्रीति के हाथ, प्रीति का हाथ उसने पकड़ा होता है आवाज़ से। रिया उनकी तरफ गुस्से से बढ़ के उन स्टूडेंट गुस्से से देख के उनको उन स्टूडेंट्स के साथ बढ़ रही होती है। आगे चलते चलते वो डायरेक्ट अनन्या को धक्का दे देती है उसके पीछे साइड से आके, और बोलती है उप्स सॉरी मैंने देखा नहीं। तो प्रीति उसे बोलती है तो तुम्हें ना बड़ा 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 चश्मा लगाने की ज़रूरत है। अनन्या प्रीति की तरफ ऐसे देखती है और बोलती है छोड़ो ना, और उस निया रिया को बोलती है तुम जाओ इट्स ओके। तो वो रिया भी देखती है कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो साइड से ही चल रही होती है। तो फिर से चलते चलते अनन्या का पाँव स्टैम्प कर देती है, अनन्या के मुँह से चीख निकलती है आउच। प्रीति देखती है कि रिया के पाँव से अनन्या का पाँव स्टैम्प हो गया, तो वो रिया को चिल्लाने लगती है कि तुम्हें देख के चलने नहीं आता क्या। रिया प्रीति पे चिल्लाने लगती है कि ओ हेलो सीनियर रूम है तुम्हारी, तमीज़ से बात करो, अवनी नहीं हूँ मैं जो तुम्हें छोड़ दूंगी, या अपना एटीट्यूड है ना अपने जेब में रखो। वहाँ पे रिया के फ्रेंड्स होते हैं तो वो बोलते हैं रिया चुप बैठ, वहाँ पे बहुत सारे जूनियर्स हैं, हम लोग ऐसे बिहेव नहीं कर सकते, अच्छे से बात करो, मैम्स वगैरह भी है रूम में, कहाँ से भी आ सकते हैं, यहाँ पे झगड़ा मत करो, सीन क्रिएट मत करो। रिया थोड़ी शांत हो जाती है। प्रीति बोलती है क्यों रिस्पेक्ट करें हमें, तुम ऐसे बिहेव करोगे और चाहते हो कि हम तुम्हें रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट करने के लिए ना सीनियर्स में कुछ होना भी चाहिए, टैलेंट, डिसिप्लिन, बिहेवियर, तुम में तो कुछ दिखता नहीं है हमें। वहाँ पे अनन्या भी प्रीति को पीछे खींचने लगती है और बोलने लगती है शांत हो जाओ, देखो शांत हो जाओ, छोड़ो ना, वो चुप बैठ गई है ना। तो ये सुन ही नहीं रही होती तो अनन्या उसका मुंह ही पकड़ लेती है, उसके मुंह पे ही हाथ रख देती है। तो ऐसे करके अनन्या उसे अपने तरफ खींचती है और उसका हाथ टाइटली पकड़ के चलने लगती है। प्रीति को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है अनन्या ने उसका हाथ पकड़ रखा होता है, तो वो अनन्या इतना उसे बोल रही होती है शांत रहो, तो चुप बैठ जाती है। यहाँ पर रिया का तो गुस्सा एकदम वॉल्केनो की तरह फट रहा होता है, वो कहाँ शांत बैठने वाली होती है, वो प्रीति अनन्या के बाजू से चल तो रही होती है बट चलते चलते बार बार उसे धक्का दे रही होती है। अनन्या कुछ बोल नहीं रही होती बट प्रीति को समझ में आ रही होती है ये बात। तो प्रीति देखती देखती और अनन्या को अपने साइड के यहाँ पे शिफ्ट कर लेती है और वो अनन्या के साइड चलने लगती है।
स्टूडेंट चल रहे होते हैं लाइन में, वो अनन्या प्रीति को देखती है तो थोड़ा सा समझ जाती है, उसे धक्का नहीं मारती, पता होता है प्रीति उससे झगड़ा कर लेगी, ये शांत बैठने में वालों में से नहीं है। यहाँ पे प्रीति को भी गुस्सा आ गया होता है, टोरोन उसकी बंदी को रिया इतना धक्का दे रही थी, परेशान कर रही थी, उसे गुस्से से रिया के पास देख रही होती है और रिया फिर जान पूछ के उसके पास देख ही नहीं रही होती। ये समझ आ जाता है कि अभी प्रीति के मुंह लग गई तो इज्जत का भाजीवाला हो जाएगा। झगड़ा करते करते अन्या फिर प्रीति का मुँह अपनी तरफ मोड़ रही होती है और बोल रही होती है छोड़ो ना यार, तो रिया उनकी गपशप भी सुन रही होती है। तो फिर रिया बातें करते करते जान पूछ के प्रीति को भी धक्का देती है, सोचती है कि अनन्या तो इसे रोक ही लेगी। फिर प्रीति उसे और गुस्से से देखती है और फिर वो दूसरे साइड फेस करके चल रही होती है रिया, तो प्रीति जान पूछ के अपना उसके पाँव के बीच में डालती है, रिया एकदम जोरों से पीछे फ्लोर पर गिर जाती है। प्रीति की तरफ एकदम घूर के गुस्से से देखने लगती है और बोलती है क्यों किया तुमने ऐसे, तो प्रीति उसे बोलती है उप्स सॉरी, गलती से मेरा पाँव आई गेस आपके पाँव के यहाँ पे आ गया था, आपको थोड़ा साइड से चलना चाहिए था, ऐसे बोल के प्रीति फिर से अनन्या के साथ बातें करने लगती है। तो अनन्या उसे ऐसे घूर के देखती है, तुमने जान पूछ के किया ना ये, या झगड़ा बढ़ा नहीं सकती तो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप उठ जाती है। इतने में वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, उनको वो जो थीफ्स को ढूंढ रहे होते हैं वो थीफ्स मिल जाते हैं, तो वो लोग उन थीफ्स को गार्ड को हैंडओवर कर देते हैं। वहाँ पे पुलिस वैन बुलाई होती है, पुलिस को गार्ड्स हैंडओवर कर देते हैं। फिर वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है उनके प्रिंसिपल की कि वो ब्रीफिंग हॉल है वहाँ पे सब आ जाओ, सीनियर्स और जूनियर्स, तो सब सुनते हैं अनाउंसमेंट और जो हॉल होता है सबसे बड़ा वहाँ पे चले जाते हैं हॉस्टल के। वहाँ पे जूनियर लीडर सब ऑलरेडी मौजूद होते हैं, वो अनाउंसमेंट करते हैं कि थीफ्स तो पकड़े गए हैं तो अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है और सॉरी जो थीफ्स अंदर घुसे थे, अब नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और सारे जूनियर्स को थैंक यू सो मच कि तुम लोगों ने इतना कोऑपरेट किया, तुम लोग डरे नहीं, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रहो, और इसलिए तुम्हें हम लोग एकदम ज़्यादा गुड न्यूज़ सुनाने वाले हैं। अवनी अनाउंसमेंट कर रही होती है तो वो बोल देती है कि हम लोगों ने तुम्हें बताया था उस ट्रिप के बारे में, तो वो ट्रिप आने के लिए बस एक ही दिन है, तो एकदम रेडी हो जाओ, दिल थाम के एकदम ज़्यादा खुश हो जाओ, और तुम्हारे पास अब बस एक ही दिन है, रेडी हो जाओ, सारे प्रिपेयर्स कर लो क्योंकि परसों ही वो ट्रिप जाने वाली है। सब लोगों ने अपने पेरेंट्स से तो पूछ लिया होगा, जिन लोगों के पेरेंट्स ने मना कर दिया या फिर जिन्हें नहीं आना है, कुछ प्रॉब्लम है नहीं आ सकते, तो ये बुक क्या है, ये पास होगी, सर्कुलेट होगी, इस पर अपना नाम लिख दो। इसमें पेपर्स भी है जो सबको दिए जाएंगे, उसमें सारे टर्म्स दिए हुए हैं, सारे रूल्स दिए हुए हैं कि ड्रेसिंग कैसी रहनी चाहिए, वहाँ पे वॉयलेंस नहीं चलेगा, सीनियर्स की और टीचर्स की बात सुननी पड़ेगी, ये सब है उन पेपर्स में, उन टर्म्स में, तो ये पेपर सबको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, सब लोग ले लेना। तो ऐसे बोल के फिर वो पेपर्स सबके पास डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं, वो बुक भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है। पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट होते टाइम रिया अनन्या के बाजू में ही होती है, जैसे ही पेपर्स का पैड पास आता है और अनन्या अभी वो पैड लेने जाती है, उतने में रिया उसके हाथों से खींच लेती है और उसमें से अपना पेपर लेके पैड आगे डिस्ट्रीब्यूट करने लगती है। प्रीति देख रही होती है और अनन्या को बोलने लगती है कि तुम कुछ नहीं बोलती ना, इसलिए वो तुम्हारे साथ ही ऐसे करती है। अनन्या बोलती है यार क्या बोलूँ मैं, हमें रहना है और 2 साल इस कॉलेज में, तुम भी कुछ मत बोला करो। अनन्या फिर से प्रीति को ही ज्ञान देने लगती है, तो प्रीति ऐसे गुस्से से रिया की तरफ देख रही होती है, वो बुक भी सर्कुलेट हो रही होती है, तो प्रीति उसमें से एक पेज फाड़ती है, उसे फोल्ड वगैरह करती है और जो स्कूल में क्रैकर बनाते हैं ना, थोड़ा सा स्वीप करने पर आवाज़ आती है, ऐसे बना देती है, रिया के पास देख रही होती है कि थोड़ा पीछे जाती है और वो क्रैकर ऐसे ज़ोर से स्वाइप करती है क्रैकर की तरह पेपर, तो रिया को एकदम उसके पास से ही आवाज़ आती है, तो वो ऐसे देखने लगती है पीछे, तो प्रीति बोलती है अरे रिया तुम्हारी तो पैंटी फटी है, तो रिया पीछे देखने लगती है कि सच्ची में बट उसे दिख ही नहीं रहा होता, प्रीति बोलती है अरे कितनी फटी है शर्ट शर्ट, तो रिया अपना हाथ पीछे करती है और हवा देखने जाती है, तो उसे एक चेयर दिखती है पास में, तो वो वहाँ पे बैठने के लिए जाती है। प्रीति भी उसे बोलती है देखो देखो यहाँ पे एक चेयर है, और उसके साथ में उसके पीछे पीछे आ रही होती है। जैसे ही रिया चेयर पे बैठने जाती है, प्रीति धीरे से वो चेयर पीछे हटा लेती है, तो रिया नीचे गिर जाती है, और रिया ऐसे प्रीति की तरफ गुस्से से देखने लगती है और बोलती है कि ज़्यादा चर्बी चढ़ी है क्या तुम्हें, एकदम अपने असली रूप में आ जाती है रिया से, तो प्रीति बोलती है क्या
योर लैंग्वेज मैम, देखो मुझसे कैसे बात कर रही है। वहाँ पे एक मैम होती है तो वो रिया को बोलती है, तुम ऐसे नहीं बात कर सकती रिया। कुछ डिसिप्लिन वगैरह है या नहीं तुम में? इतने टाइम से इस कॉलेज में हो, तमीज़ नहीं है क्या तुम्हें बात करने की? अपनी ऊपर स्टेज के यहाँ पे ही होती है हॉल में, और वो तो सब देख रही होती है क्योंकि वो बार बार प्रीति को ही नोटिस कर रही होती है। तो रिया मैम को बोलने लगती है, मैम इसने मेरी चेयर पीछे से खींची, मैं यहाँ पे बैठने जा रही थी। तो प्रीति बोलती है, मैम मैं सब भला क्यों करूँगी। तो रिया अवनी को बोलती है कि अवनी बोलो तुम ऊपर थी ना, तुम देख रही थी मुझे, ये प्रीति ने किया ना, मैम को बोलो। अवनी बोलती है कि नहीं नहीं प्रीति ने नहीं किया ये। रिया यार तुम खुद गिर गई हो शायद से, चलो उठो कुछ नहीं इतना, और ऐसे झगड़ा मत किया करो यार। रिया अब तुम सीनियर हो, कैसे बात कर रही थी तुम प्रीति से, चलो सॉरी बोलो। तो रिया को एकदम गुस्सा आ जाता है अवनी पे भी। अवनी अंदर ही अंदर सोच रही होती है कि यार प्रीति क्या करूँ मैं, तुम्हारा यही एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद है, किसी चीज़ का ख्वाफ ही नहीं है तुम में तो, सीनियर से पंगा ले लेती हो तुम। रिया वहाँ से चुपचाप उठती है और बार बार पीछे देख रही होती है, अपने फ्रेंड से पूछती है कि यार पीछे से देखना ज़रा पैंट फटी है क्या। उसकी फ्रेंड देखती है और बोलती है, यार कुछ नहीं हुआ है, ऐसे क्यों कर रही है तू, स्ट्रेट खड़ी रहे। मैम रिया को देख रही होती है और बोलती है, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो तुम, एक तो रॉन्ग बिहेव कर रहे हो, अब तुम्हें तो अपने इससे प्रीति से माफ़ी मांगनी ही चाहिए। वो मैम बोलती है तो रिया के पास कुछ ऑप्शन नहीं होता, तो वो एकदम स्लो आवाज़ में बोलती है, सॉरी प्रीति। तो प्रीति के मुंह पे एकदम बड़ी स्माइल आती है और वो सोचती है, मिशन कंप्लीटेड, अब ये अनन्या को नहीं तंग करेगी। प्रीति बड़ी सी स्माइल लेके अनन्या की तरफ बढ़ती है, पास ही में होती है अनन्या। तो अनन्या उसको ऐसे घूर के देखती है और उसको पे एक फाइट रख के देती है लाइटली, और बोलती है, बाज नहीं आओगी ना तुम, इतना तंग करती हो अपने सीनियर्स को। प्रीति बोलती है, यार मैं तुम्हारे लिए कर रही थी कि फिर से वो तुम्हें परेशान ना करे, और तुम वो ऐसी लड़की मुझे ही मारे जा रही हो। अनन्या बोलती है, यार प्लीज़ तुम मत लो पंगे इनसे, वो लोग ट्रिप्स में भी हमारे साथ ही चलने वाले हैं। प्रीति बोलती है, तो मैं किसी से डरती नहीं हूँ। अनन्या बोलती है, तुम्हारा ये एटीट्यूड ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे बोल के अनन्या अपना मुंह फुला के उस तरफ कर देती है। प्रीति बोलती है, अच्छा तो तुम्हें कैसा बिहेवियर पसंद है बताओ तो। अनन्या कुछ रिप्लाई नहीं देती। तो प्रीति बोलती है, अच्छा सुनो ना, ऐसे तुम्हारे दिल के एग्जाम्स कब से शुरू हो रहे हैं? एडमिशन फॉर्म तो मैंने भर दिया है, बस पास होना बाकी है। अनन्या प्रीति की तरफ देखती है और बोलती है, तुम्हारा तो पास होने का चांस ही नहीं है। प्रीति बोलती है, हाय यार एक तो इतनी कातिलाना नज़र है तुम्हारी, ऊपर से जुबान तो एकदम मिर्ची, पता नहीं मुझे तुमसे ही हारने में क्यों इतना मज़ा आता है यार, हर चीज़ एक हद तक अच्छी लगती है, बट पता नहीं एक तुम ही हो जो हद से ज़्यादा अच्छी लगती हो। अनन्या बोलती है, यार तुम तो पक्की फ्लर्टर हो, पर ये मछली तुम्हारे जाल में फंसने नहीं वाली। प्रीति बोलती है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, मुझे अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बितानी है। तो अनन्या यहाँ वहाँ देखने लगती है और स्माइल करने लगती है। अनन्या उसकी तरफ देखती है, प्रीति उसकी तरफ देखती है और बोलती है, हंसी तो फंसी। अनन्या प्रीति की तरफ देख के उसे बोलती है, यार तुम ना बहुत फनी हो, तुमसे बातों में कोई जीत नहीं सकता। ऐसे बोलते बोलते अनन्या ने प्रीति का हाथ पकड़ के रखा होता है, तो प्रीति वो सब नोटिस कर रही होती है, उसे बहुत अच्छा फील होता है जब अनन्या उसका हाथ पकड़ती है। अनन्या बहुत हंस रही होती है, तो प्रीति उससे बोलती है, तुम ना अपने दिल की सिक्योरिटी बढ़ा दो क्योंकि वो ना जल्दी ही चोरी होने वाला है। अनन्या को तो बहुत स्पेशल फील हो रहा होता है उसकी ऐसी बातें सुन के, बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो ब्लश हो रही होती है, स्माइल कर रही होती है। ऐसे ही वो लोग दोनों मीठी मीठी बातें करके स्माइल कर रहे होते हैं, ब्लश कर रहे होते हैं, सारे स्टूडेंट्स भी खुश होते हैं। वहाँ पे प्रिंसिपल मैम अपना भाषण झाड़ रही होती है टीचर्स वगैरह की, तो वहाँ पे बातें सुननी होगी ट्रिप पे, हवा भागना नहीं है, झगड़ा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा भाषण दे रहे होते हैं। सीनियर सारे एक साइड पे होते हैं और अवनी की नज़र प्रीति को ही ढूंढ रही होती है, वो प्रीति की तरफ देख रही होती है, तो वो देखती है कि ये दोनों तो बहुत हंस हंस के बातें कर रहे हैं, मुझे गुस्सा आने लगता है। तो वो सोचने लगती है, यार मैं बातें करने जाऊँगी तभी भी ये ज़्यादा बातें तो अनन्या से ही करेगी। तो वो एकदम सोचने लगती है, क्या करूँ क्या करूँ, तभी वो अपने ग्रुप में देख रही होती है तो वहाँ पे करण भी अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहा होता है। तो वो करण के पास आती है और बोलती है, यार मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए। करण बोलता है, अरे बोल ना, तेरे लिए कुछ भी, तेरी बेस्टी है यार, तू साथ में रहेगी तो मेरे लिए हर काम एकदम ईजी है, बता क्या करूँ मैं। बोलती है, यार ये अनन्या ना मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, को ना एक बार तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो देख तू यहाँ पे फुटबॉल चैम्पियन है, स्टार्ट टाइप है, तेरे को ऑलमोस्ट बहुत सारी लड़कियाँ पसंद करती है,
और जूनियर्स तो देखो बहुत ही पसंद करते हैं, तो ये अनन्या तो आराम से बस सकती है। तू बस यार उसको इम्प्रेस कर देना, मेरे को उसको एक बार तो सबक सिखाना ही है। तू उसे इम्प्रेस कर, वो तेरे प्यार में होगी तब उसे छोड़ देना। करण बोलता है कि ओ इतनी सी बात, ये तो मैं तेरे लिए ऐसे कर दूंगा यार, बट मैंने उस दिन उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया ना, वो उसके हाथ पे लग गया था, तो उस वहाँ से उसको मनाना पड़ेगा, स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। मम्मी बोलती है यार तू कर ना, जैसे आराम से इम्प्रेस हो जाएगी। वैसे भी अगर तू जूनियर लड़कियों के पास खुद से बात करने जाता है तो ऐसे भी वो खुद इतना भाग भाग के आती है करने के लिए, खुश हो जाती है। तो करण बोलता है हाँ वो तो है। तो सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट वो भाषण सुन रहे होते हैं, और उनमें से फिर करण थोड़ा सा पीछे से हट जाता है जहाँ पे अनन्या और प्रीति होते हैं बात कर रहे हैं। वहाँ पे उनके पास में ही आफरीन भी होती है, अपने स्क्वाड के साथ बात कर रही होती है, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वो करण उसे देखता है और बोलता है अरे तुम अनन्या की फ्रेंड हो ना, अनन्या दिख नहीं रही है, कहाँ है, उसे बात करनी है मुझे। पूछ के करण ऐसे बोलता है और वो मैम्स लोगों का भाषण सुनने लग जाता है, तो आफरीन एकदम शॉक हो जाती है और उसका स्क्वाड भी ऐसे देखने लगता है कि यार कौन सी फ्रेंड है तुम्हारी, करण खुद उससे बात करना चाह रहा है, करण मल्होत्रा खुद बात करने के लिए पास आ रहा है। बहुत हॉट दिखती है क्या तुम्हारी फ्रेंड यार, ये तो बड़े बड़े सीनियर्स के साथ रहता है, अवनी अंशुमन, उसे फुटबॉल में भी बहुत हार्ड है बंदा, पढ़ाई में बस थोड़ा गया है, बट यार इसकी पर्सनैलिटी तो फुल हिट है कॉलेज में। तो उसके फ्रेंड्स लोग ऐसे बातें बनाने लगते हैं और करण बाजू में बस एक्ट कर रहा होता है भाषण सुनने का। फिर वहाँ से भाग भाग के अनन्या के पास जाती है, फिर प्रीति तो अनन्या से फुल ऑन फ्लर्ट कर रही होती है, दोनों भी एकदम अपने ही जोन में होते हैं, की तरफ ध्यान नहीं, सब वर्ल्ड उन लोगों के लिए गायब हो चुका होता है, एकदम बातों में डूबे होते हैं। प्रिन वहाँ जाती है और एकदम से अनन्या को कर लेती है और बोलती है यार तेरे को पता है कि अभी क्या हुआ, करण है ना वही वो पार्टी में तेरे साथ बहुत बात कर रहा था, आई गेस उससे ना तू बहुत अच्छी लग गई है, खुदा आया था और बोलने लगा कि तुम्हारी फ्रेंड अनन्या कहाँ है, दिख नहीं रही, उसे मिलाओ यार, वो तेरे से मिलना चाहता है, चल चल जल्दी, उधर वेट कर रहा है वो, उससे फ्रेंडशिप करते हैं, कॉलेज में बड़ा ड्यूड है यार। अनन्या बोलती है यार वो मुझसे क्यों फ्रेंडशिप करना चाह रहा है, नहीं आना मैं बात कर रही हूँ प्रीति से, जा तू। वो आफरीन बोलती है यार तू पागल है क्या, प्रीति और तुम लोग तो बाद में बात कर लोगे, वो वापस थोड़ी मिलने वाले हैं यार, वहाँ पे रुका है चले जाएगा तो हमारी फ्रेंडशिप नहीं हो पाएगी, हमारी फ्रेंडशिप हो गई ना हम लोग तो क्लास में छा जाएंगे यार, सीनियर से कांटेक्ट है हमारे, कोई कुछ नहीं बोल सकता, फिर बस हमें CR बना देंगे भी, वो राइट तो उनको ही है, मॉडल बनने के बाद कितना मजा आएगा यार, यहाँ पे पता है कोई टैलेंट से आगे नहीं बढ़ता, पॉलिटिक्स होती है सीनियर्स के जो कॉन्टेक्ट में होता है ना, आगे बढ़ता है कॉलेज में, इतना अच्छा लड़का है हमसे खुद से फ्रेंडशिप कर रहा है, तो ऐसे क्यों कर रही है, चलना चलना ऐसे करके आफरीन उसे बहुत मनाती है। प्रीति करण को देख रही होती है और अंदर ही अंदर जेलस हो रही होती है, आफरीन अनन्या को मना रही होती है कि मिलके बात कर ले, तो उसकी नज़र प्रीति की तरफ पड़ती है, तो वो प्रीति को बोलती है यार मैं थोड़ी देर के लिए प्रीति को ले जाऊंगी तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, प्लीज़ बस थोड़ी देर, तो प्रीति दिल पे पत्थर रखते हुए बोलती है हाँ ठीक है, फ्रेंडशिप करनी है करण को तुमसे। आफरीन प्रीति का हाथ खींचने, अनन्या का हाथ खींचने लगती है और बोलती है देख उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलना आना यार। अनन्या को अंदर से तो अच्छा नहीं लग रहा होता प्रीति को ऐसे छोड़ के जाना, आफरीन उसे इतना कन्विंस कर रही होती है। वहाँ पे करण तो एकदम रेडी शेडी होके आया होता है, सब सीनियर्स जूनियर्स भी आने वाले होते हैं, तो एकदम बाल वगैरह खड़े करके, वाइट शर्ट, ऑलमोस्ट थोड़ी सी जूनियर गर्ल्स उसको ही देख रही होती है, और थोड़े जो बंदे होते हैं सीनियर्स में हॉट वाले उनको देख रही होती है। करण भी नज़रें चुरा चुरा के देख रहा होता है कि आफरीन अनन्या को उसके पास ला रही होती है, तो जैसे ही अनन्या को आफरीन पास लाती है तो आगे ढकेल देती है और करण को बोलती है देखो ये मेरी फ्रेंड है, तुमको इससे ही बात करनी थी ना। करण उसे ऐसे देखता है और बोलता है हाँ हाय अनन्या, और अपना हाथ आगे बढ़ाता है, अनन्या भी बोलती है हाय अपना हाथ आगे बढ़ा के, वो लोग हैंडशेक करते हैं और करण बोलते हैं सॉरी यार उस दिन मैं समझ नहीं पाया था, मैंने सुना अपने फ्रेंड से तुम्हारे हाथ को बहुत लग गई थी, तुमसे मिलने के लिए तुम्हें ढूंढ भी रहा था बट तुम मिली ही नहीं, अभी तुम्हारी फ्रेंड दिखी तो मैंने सोचा उससे बात कर लूँ। अनन्या के मन में तो प्रीति चल रही होती है, तो वो दूसरी साइड प्रीति को देख रही होती है और करण को बोलती है ठीक है बताओ ना और क्या बात करनी थी, करण बोलता है यार तेरा हाथ तो ठीक है ना, और ऐसे बोल के उसके हाथ को देखने लगता है अनन्या के,
अनन्या बोलती है, मेरा हाथ एकदम ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन। ऐसे ही करण बातें बढ़ाते बढ़ाते अनन्या से बातें करने लगता है, और वहाँ पे अवनी देखती है कि उसका रास्ता क्लियर है। प्रीति अकेले वहाँ पे हैंड्स फोल्ड करके अनन्या की तरफ देख रही है। अवनी सीधे प्रीति की तरफ बढ़ती है, उसके पास जाके खड़ी हो जाती है, उसके पास जाके उसे कहती है कि यार तुम्हारी फ्रेंड तो इतनी जल्दी फ्लिप हो जाती है, अभी तुम्हारे साथ बात कर रही थी, अभी करण के पास चली गई इतनी जल्दी। वो प्रीति अवनी की तरफ देखती है और बोलती है तुम्हें उससे क्या, वो बस बात करने के लिए गई है, ऐसे ही आ जाएगी थोड़े टाइम में। तो प्रीति उससे कुछ बात ही नहीं कर रही होती, बस अनन्या की तरफ देख रही होती है। अवनी उससे बात बढ़ाने के लिए फिर उसे बोलती है यार तुम्हारे लिपस्टिक का शेड तो बड़ा मस्त है। प्रीति उसे बोलती है थैंक यू, तो अवनी बोलती है यार ये तो स्मेल भी मस्त कर रहा है, टेस्टी वाला होगा। तो प्रीति उसकी तरफ देखती है और बोलती है तुम्हें ला दूंगी बस। दीदी को अंदर ही अंदर से थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है। वहाँ पे अनन्या भी बार बार निकलने की कोशिश कर रही होती है करण के यहाँ से, भी देख लेती है कि अवनी प्रीति के साथ बात कर रही है। तो उसे भी अंदर से ऐसे लगने लगता है क्या बात कर रहे होंगे। बार बार करण को बोल रही होती है चलो मैं चलती हूँ यार, मेरी फ्रेंड वेट कर रही होगी। करण उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, बट आफ्टर ऑल वो उसके पास कोई टॉपिक ही नहीं रहता बोलने के लिए। तो करण बोलता है ठीक है चलो हम लोग फ्रेंड्स बन गए, तुम्हारा नंबर तो दे दूँ। तो अनन्या को जल्दी होती है वहाँ से निकलने की, तो वो कुछ रिप्लाई नहीं देती और बोलती हाँ ठीक है लो। तो वो अपना नंबर करण को दे देती है और बोलती है चलो अब मैं चलती हूँ, और वहाँ से फटक से निकल के प्रीति के यहाँ आ जाती है। अवनी प्रीति के साथ बात कर रही होती है, वो अनन्या वहाँ पे पहुँचती है और बोलती है हेलो फ्रेंड्स क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या बातें चल रही है, मुझे भी ऐड करो। प्रीति का मूड थोड़ा अपसेट हो गया होता है कि उसने देख लिया होता है कि अनन्या ने करण को नंबर दे दिया, तो वो बोलती है तुम दोनों बातें करो मुझे ज़रा काम है मैं जा रही हूँ। अवनी अनन्या को देख के सोचने लगती है कबाब में हड्डी हमेशा आई जाती है, थोड़ा सा बात करने लगे थे हम कि आ गई बीच में। वहाँ पे अनन्या सोच रही होती है यार ये तो गुस्सा हो गई है। अनन्या प्रीति की तरफ देख रही होती है, प्रीति चलते चलते सीधे एक मैम के यहाँ पे पहुँच जाती है और उनको बोलती है मैम आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे थोड़ा वॉमिट की तरह फील हो रहा है, तो प्लीज़ मैं रूम में चली जाऊँ क्या। वो मैम बोलती है हाँ नो इशू जाओ। यहाँ पे ये मीटिंग भाषण चल रहा होता है, पूरे मीटिंग में अनन्या का तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा होता वो सुनने में। अवनी भी नाराज़ होती है ये आगे इसके वजह से चली गई प्रीति, भी एक दूसरे को फेक स्माइल दे रहे होते हैं और क्लैप कर रहे होते हैं, टीचर्स के लिए सारे स्टूडेंट्स क्लैप कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये टीचर लेक्चर सुनाने में इतनी घुस गई होती है कि बंद ही नहीं कर रही होती, और अनन्या को तो सहन ही नहीं हो रहा होता। उसे बहुत प्रीति की याद आ रही होती है, वो सोचने लगती है यार ये नहीं है तो मेरा बिल्कुल मूड ही नहीं है कुछ करने का, पता नहीं क्यों हो रहा है ये। अनन्या वहाँ से निकलती है और सीधा मैम के पास जाती है और बोलती है कि मैम मुझे हेडेक हो रहा है मैं और नहीं रुक पाऊँगी, प्लीज़ मैं रूम में चले जाऊँ। तो मैम बोलती है ओके, तो वो भी वो मीटिंग छोड़ के वहाँ से चली जाती है। प्रीति का भी रूम में आके बिल्कुल मन नहीं लग रहा होता, उसके दिमाग में बार बार वही चल रहा होता है। वो अपना ध्यान भटकाने के लिए फ़ोन देखने लगती है, उसमें पबजी खेलने लग जाती है, एकदम गुस्से से सारे एनिमीज को मार रही होती है, एकदम गुस्से से खेल रही होती है। वहाँ पे अनन्या भी जल्दी जल्दी एकदम फास्ट चल के रूम में पहुँच जाती है और प्रीति को पीछे से पकड़ लेती है उसके नेक को और एकदम चिल्लाने लगती है तुम मेरे पहले क्यों आई घर पे। रूम में वहाँ पे रुक जाती है ना, मैं भी थी ना वहाँ पे, कुछ बोल के तो जाती हम दोनों एक साथ निकलते। प्रीति बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही होती, तो अनन्या उसके पास आती है और उसके ईयर्स पे किस करने लगती है, वाइट करने लगती है, नेक पे लव वाइट देने लगती है, और एक ही एनिमी बचा होता है पबजी गेम में, प्रीति बस जीतने वाली होती है। उसी टाइम पे अनन्या प्रीति को नेक पे बहुत किस कर रही होती है, प्रीति बोल रही होती है रुको एक एक मिनट रुको एक मिनट, बट अनन्या तो रुक ही नहीं रही होती। प्रीति का ध्यान थोड़ा सा हट जाता है और वो एक एनिमी से नॉकआउट करके प्रीति गेम में से आउट हो जाती है। यहाँ पे अनन्या रुक जाती है, तो प्रीति एकदम गुस्से से ऐसे अनन्या की तरफ देख रही होती है, छोटा सा मुंह करके बड़ी सी आंखें करके छोटा सा नाक करके ऐसे अनन्या की तरफ देख रही होती है, और अनन्या बोलती है यार ये तुम गुस्से में जो गोलगप्पा की तरह मुंह बना लेती हो ना, मन करता है कि तुम्हें खा जाओ। प्रीति कुछ नहीं रिएक्ट करती और अपनी कुशन सेट करती है और चादर लेती है और सो जाती है। अनन्या प्रीति की कुशन खींच लेती है, तो प्रीति का सर ऐसे नीचे हो जाता है, तो वो कुछ भी नहीं बोलती फिर भी अपनी चादर लेके सो जाती है, तो अनन्या उसकी चादर भी खींच लेती है।
प्रीति कुछ नहीं बोलती और बस उसे इग्नोर किए जा रही होती है, तो अनन्या को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है बात नहीं करोगी तुम मुझसे, लास्ट टाइम पूछ रही हूँ मैं। वो भी प्रीति कुछ रिप्लाई नहीं देती। तो अनन्या उसको देख के बोलती है बात तो तुम्हें मुझसे करनी पड़ेगी बेटा, ऐसे ही सोने नहीं दूंगी तुम्हें। तो अनन्या प्रीति के ऊपर आ जाती है और उसके फेस पे किस करने लगती है, बहुत सारे क्यूट क्यूट किसेस करने लगती है। बात करो ना, प्रीति कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही होती। तो अनन्या वहाँ से उठती है और किचन में चले जाती है। वहाँ पे कॉलिन की बॉटल होती है, ग्लास वॉशर की, कांच पोंछने वाली। उसमें थोड़ा ही कॉलिन बाकी होता है, थोड़ा ही ग्लास पोंछने का लिक्विड बाकी होता है। तो वो बॉटल एक ग्लास में खाली कर देती है और बॉटल धोने के ब्रश से वो बॉटल एकदम साफ़ कर लेती है और पानी से साफ करती है उसे। उसमें ब्लू कलर का जूस डाल देती है, कॉलिन के कलर का। पे प्रीति सोने की एक्टिंग तो कर रही होती है बट छुपके से देख रही होती है कि क्या कर रही है किचन में जाके। अनन्या वो बॉटल भर के लाती है और प्रीति फिर से अपना मुंह नीचे करके एकदम आग वगैरह बंद करके सोने की एक्टिंग करती है और सोचती है आज तो मैं बात ही नहीं करूँगी इससे, भी कर ले ये। यहाँ पे अनन्या प्रीति के सामने आती है तो प्रीति अपना फेस दूसरे साइड कर लेती है। अनन्या उसके सामने आके बोलती है देखो मुझसे बात करो, तो प्रीति कुछ रिप्लाई नहीं करती। तो अनन्या फिर प्रीति के ऊपर बैठ जाती है। प्रीति फिर भी सोने की एक्टिंग ही कर रही होती है, आंखें बंद करके कुछ रिप्लाई नहीं कर रही होती है। और अनन्या यहाँ पे अपनी नौटंकी स्टार्ट कर देती है, बोलती है तुम मुझसे बात कर रही हो या नहीं, बहुत हो गया, मैं अभी इतना किसी को मनाती नहीं हूँ, कुछ भी नहीं बोलती। तो अनन्या बोलती है देखो मैं ये पी जाऊँगी अगर नहीं बात करोगी तो, मेरा गुस्सा ना बहुत बुरा है। प्रीति एक आँख खोल के देखती है तो उसके हाथ में कॉलिन होता है, वो ग्लास वॉशर। तो प्रीति को पता होता है ये नहीं पीने वाली, ऐसी नौटंकी कर रही है। तो वो एकदम स्माइल करके छोटी सी धीरे से बोलती है पी जाओ। अनन्या उस कॉलिन की बोतल का ऊपर का ढक्कन खोलती है और वो डायरेक्ट पीने लग जाती है। तो प्रीति सोने की एक्टिंग तो कर रही होती है बट उसे ऐसे पानी पीने की तरह आवाज़ आने लगता है, तो उसे थोड़ा सा डर लग जाता है कि ये सच में तो नहीं पी रही है। तो आके खोलती है थोड़ी और, देखती है कि अनन्या तो सच में ये ग्लास क्लीनर पी रही है। वो एकदम डर जाती है और फटक से अनन्या का हाथ पकड़ लेती है, और तब तक अनन्या ने आधी बोतल ख़त्म कर चुकी होती है। तो प्रीति एकदम डर जाती है, उसका हाथ पकड़ के वो बोतल डायरेक्ट नीचे फेंक देती है और उठ जाती है। उसे एकदम चिल्लाने लगती है तुम पागल हो क्या, कल घुटने में तुम्हारी, क्या किया तुमने। अनन्या को बड़ी हंसी आ रही होती है बट वो अपनी हंसी एकदम कंट्रोल कर रही होती है। प्रीति एकदम बेड से भी उठ जाती है, उसे भी हटा देती है अपने ऊपर से और बोलने लगती है तुम्हें कुछ हो रहा है क्या, चलो चलो तुम डॉक्टर के पास चलो जल्दी, तुम एक काम करो उल्टी करो, पहले हम लोग अभी के अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। एकदम डर जाती है प्रीति और अनन्या को तो हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही होती, फिर वो एकदम जोर जोर से हंसने लगती है। प्रीति उसको देख के शॉक होती है और बोलती है तुम पागल हो गई हो क्या, बंद करो तुम उठो जल्दी चलो, ऐसे बोल के अनन्या प्रीति को उठा रही होती है। प्रीति अनन्या को उठा दिए तो अनन्या उठ ही नहीं रही होती। तो प्रीति बोलती है यार प्लीज़ उठ जाओ, तो अनन्या बोलती है ऐसे नहीं मुझे गोदी में उठाओ। प्रीति डरी हुई होती है, वो फट से अनन्या को गोदी में उठा लेती है, डोर के तरफ जा रही होती है, उतने में अनन्या उसे किस करती है और थोड़ा सा जूस जो अपने मुंह में होता है वो भी प्रीति को पिला देती है। प्रीति के दिमाग की ट्यूब थोड़ी जल जाती है कि ये ब्लूबेरी का जूस है, ये मुझे उल्लू बना रही है। तो अनन्या को एकदम फट से नीचे रख देती है और उसके भी फेस पे थोड़ी सी स्माइल आती है बट वो एकदम गुस्से जैसे रिएक्ट करने लगती है। अनन्या उसके फेस को देख के इतना हंस रही होती है और बोल रही होती है यार मुझे ना तुम्हारी वीडियो बनानी चाहिए थी, बड़ा मज़ा आ गया आज तो, बट यार तुम्हारी वजह से लग गई मुझे, धीरे से उतारती इतने जोर से पटक दिया नीचे। प्रीति उसके तरफ ऐसे थोड़ा सा गुस्सा करके थोड़ी सी स्माइली फेस करके देख रही होती है। लोग बेड के पास ही होते हैं तो वहाँ पे कुशन होती है, तो प्रीति कुशन लेती है और अनन्या को कुशन से रोने लगती है और अनन्या यहाँ वहाँ भागने लगती है। वो लोग ऐसे ही पकड़म पकड़ाई खेल रहे होते हैं और जो फर्श पे उसकी आधी बोतल पी हुई पड़ी होती है, अनन्या उसके आजू बाजू से भी भाग रही होती है तो उसका पाँव फिसल जाता है और उसके पीछे प्रीति होती है, तो वो सीधे जाके प्रीति के ऊपर गिर जाती है। प्रीति उसको एकदम रोमांटिक वे में कैच करती है और दोनों भी एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं, स्माइल करते हुए बड़ी प्यार भरी नज़रों से देख रहे होते हैं एक दूसरे को। अनन्या प्रीति की टी शर्ट को आगे खींचती है, प्रीति को थोड़ा पास लाती है और एकदम किस करने लगती है। प्रीति भी उसे एकदम ज़्यादा किस करने लगती है और जब एकदम वो
हो जाती है किस्में तो प्रीति पीछे हो जाती है जानबूझ के, से एकदम चिढ़ाने वाली स्माइल देती है और से निकल के मॉप लेती है और वो जूस पोंछ के बॉटल वगैरह बाजू में रख देती है। तो अनन्या उसे ऐसे घूर के देख रही होती है और बोलती है, देखो मूड खराब मत करो, मैं ना बहुत टेढ़ी चीज़ हूँ, प्यार से बोल रही हूँ, मान जाओ। प्रीति उसकी बिल्कुल नहीं सुनती और उसकी तरफ स्माइल करती है, देखती है, और वहाँ पे एक टॉवेल होता है वो उठाती है और वॉशरूम में चले जाती है नहाने के लिए। अनन्या ऐसे वॉशरूम के डोर के यहाँ पे देखती है और सोचती है, मुझे पता नहीं है अभी तक मैं कितनी टेढ़ी चीज़ हूँ, मुझे चैलेंज कर रही है ये। वहाँ पे प्रीति फिर बाहर आती है और अपने सारे कपड़े ढूंढ के लेके जा रही होती है। तो जैसे ही वो वॉशरूम में फिर से एंटर करती है, अनन्या भी डोर को धक्का मार के एंटर करने की कोशिश करती है, तो प्रीति डोर बंद करने लगती है और बोलती है, क्या कर रही हो तुम, क्यों अंदर आ रही हो, बाहर रुको, जा रही हूँ पहले नहाने के लिए। अनन्या बोलती है, तुम्हें ना प्यार से समझाई हुई बातें ना समझ में नहीं आती, तो अब मुझे टेढ़ा होना ही पड़ेगा, चलो दरवाज़ा खोलो, जल्दी खोलो। वहाँ से प्रीति दरवाज़ा बंद कर रही होती है और यहाँ से अनन्या खोल रही होती है एकदम धक्का दे के। प्रीति दीवार की को पकड़ के उसकी मदद से और ज़्यादा धक्का देने लगती है, तो अनन्या बहुत कोशिश करती है रोकने की, तो वो खुल ही नहीं रहा होता, तो अनन्या बीच की कड़ी लगा देती है, कड़ी की वजह से फिर से वो दरवाज़ा बंद ही नहीं हो रहा होता। तो अनन्या वेट करती है कि अब प्रीति कोशिश करना रोक देगी, तो प्रीति फिर थक जाती है, कितनी देर दरवाजे पे खड़े रहेगी, तो वो कोशिश छोड़ देती है, क्योंकि वो कड़ी के वजह से दरवाजे के बीच की दरवाज़ा बंद ही नहीं हो रहा होता। तो प्रीति दरवाजा अनन्या दरवाज़ा बाहर से ढकेलती है, जब प्रीति एकदम अपनी कोशिश करके थक जाती है अंदर से, तो अनन्या दरवाज़ा खोलती है और एक क्यूट सी स्माइल दे के आगे बढ़ती है और फिर अंदर आके वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर देती है। वो प्रीति पीछे पीछे जा रही होती है और बोलती है कि दरवाज़ा मत बंद करो, तुम जाओ, मुझे नहाना है, बाद में अंदर आना, मैं नहा लेती हूँ फिर तुम नहा लो ना। अनन्या बोलती है, नहीं ना, मुझे तुम्हारे साथ ही नहाना है ना। प्रीति भी ब्लश होके स्माइल कर रही होती है। अनन्या अपना रबर निकाल देती है बड़ा वाला बालों से और पूरे बाल खोल देती है, प्रीति की तरफ बढ़ रही होती है और प्रीति पीछे पीछे जा रही होती है। प्रीति पीछे पीछे जाके दीवार की तरफ लग जाती है और अनन्या आगे आगे बढ़ रही होती है, दोनों भी स्माइल कर रहे होते हैं ब्लश होके। अनन्या प्रीति के दोनों साइड पे ऐसे हाथ डालती है, प्रीति उसके दोनों हाथों के बीच में होती है और ब्लश हो रही होती है, स्माइल हो रही होती है। प्रीति के बाजू में जो शावर ऑन करने का टैप होता है, अनन्या वो ऑन कर देती है, ऊपर से शावर ऑन हो जाता है तो पूरा पानी अनन्या के ऊपर गिर जाता है, वो एकदम से भीग जाती है, उसके बाल टी शर्ट सब एकदम भीग जाते हैं। वो प्रीति को भी थोड़ा सा पास करती है और भिगा देती है, दोनों भी एकदम हॉट लग रहे होते हैं भीगे भीगे। प्रीति ऐसे ही अनन्या को पुश कर रही होती है, तो अनन्या उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथों में जो रबर होता है उससे प्रीति के हाथ बांध देती है और ऊपर कर देती है और प्रीति को किस करने लगती है। ऐसे ही ये लोग प्यार कर रहे होते हैं और वहाँ पे प्रीति का फ़ोन बजने लगता है, उसे मैसेज आ रहे होते हैं, करण के मैसेजेस होते हैं, करण मैसेज कर रहा होता है, हेलो अनन्या, आई एम करण, यार पता नहीं तुम्हारी बड़ी याद आती है, आज तो नींद ही नहीं आ रही, तुम कैमरा हो क्या, तुम्हारे पास देख के तो मेरे मुंह पे बहुत बड़ी बड़ी स्माइल आने लगती है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। 3 होने से पहले ही करण उससे बहुत सारी फ्लर्टिंग कर रहा होता है, फिर सोचने लगता है क्या हुआ है, ये ऑनलाइन क्यों नहीं आ रही है, सोई तो नहीं होगी इतने जल्दी, 10:30 ही हो रहे हैं, ये सो गई होगी। ऐसे वहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं करण के, वो अपना फुल ट्राई कर रहा होता है अनन्या को पटाने के लिए, तो फ्रेंड्स देखते हैं अनन्या फ्लिप होती है या नहीं। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सबको मेरी तरफ से हैप्पी हैप्पी हैप्पीएस्ट दिवाली, होप सो आपकी दिवाली एकदम मज़े से जाए, आपके क्रशेस आपसे एकदम इम्प्रेस हो जाए, आप लाइफ में एकदम ज़्यादा खुश रहो, चाहते रहो, फुल ऑन एंजॉय, और फ्रेंड्स टेक केयर।